बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो शरारती तत्व हैं अपराधी तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, कहीं कोई खड़यंत्र तो नहीं है उस पहलू पर की जाँच की जा रही है, और जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जाँच हो रही है, जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। बहराइच सहित अन्य जगहों पर भी इस तरह हिंसा हुई है, क्या सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर? पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। योगेश वर्मा पर 5 दिनों बाद क्यों सुनवाई हो रही है? योगेश वर्मा पे 5 दिनों बाद क्यों सुनवाई हो रही है? जो चिकित्सीय सुविधा है वो भी प्रभावित हुआ है। ठीक, मैंने स्पष्ट किया है आपको, बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से ले, सभी घटनाओं को जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।